नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग पे। मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग जो है स्वस्थ होंगे। आप लोगों का पोर्टफोलियो काफी अच्छा रिटर्न दिखा रहा होगा, एंड हो सकता है कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, क्योंकि इस तेजी के दौर में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जिन्होंने निराश किया, और कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्साइट किया। जैसे कि टाटा मोटर्स, हम लोगों ने देखा कि काफी अच्छा खासा जो है उसमें बढ़ोतरी आया है काफी नीचे वाले लेवल से, और ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। जब हमारा ये पेंडेमिक शुरू हुआ था, उसके पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि टाटा मोटर्स में इतना अच्छा अप मूव आएगा। तो हमारा जो निफ्टी है, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 14,371.90 पर पहुंच चुका है, एक रिकॉर्ड स्तर है। हालांकि इसमें पिछले 2 दिनों से जो है हम लोग देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है। 2 बार यहाँ पर जो है रेड कैंडल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, एंड थोड़ा सा जो है मार्केट के अंदर में लोगों को ऐसा लगा कि शायद बियरिश मोड पे चले जाएगा, साइड लाइन पे चले जाएगा। लेकिन उसके बाद में जब रिलायंस की न्यूज आई, तो ऐसा लग रहा है कि रिलायंस जो है निफ्टी को सपोर्ट करने वाला है मंडे को, यानी कल के दिन। एंड हम लोग देखेंगे कि थोड़ा जो है निफ्टी ऊपर दिख सकता है शुरुआती दौर के अंदर में। यस, रिलायंस में जो है अच्छी खासी तेजी आ सकती है। लेकिन उसके बीच में एक मेरे पास में क्वेरी आई। वो क्वेरी ये थी कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें हमेशा ऐड करते रहने चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि लेवल आया कि नहीं आया, सपोर्ट आया कि नहीं, रेसिस्टेंस आया कि नहीं। और ये टेक्निकल टर्म्स जो है परेशान जरूर करते हैं आम निवेशकों को। इवन जब मैं पहली बार निवेश करता था, तो मुझे ये बहुत ज्यादा परेशान करते थे इस तरह के टर्म्स। कोई ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसमें हमेशा हम लोग पैसा डालते रहे और वो पैसा हमको रिटर्न देता रहे। भले 10% दे, 15% दे, 20% दे, लेकिन रिटर्न हमको देता रहे। क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। वो कम से कम डूबे ना। और हमने रिसेंटली देखा था, पिछले 2 साल के अंदर में कुछ ऐसे ऐसे बड़े नाम आए हैं जो कि स्टॉक मार्केट की छवि को खराब कर चुके हैं। जैसे कि यस बैंक हमने देखा था, या फिर हमने DHFL देखा। इसके अलावा कुछ विकलांगजी जैसी कंपनी देखी, PC ज्वेलर्स वगैरह देखा, और इसने फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारे विश्वास को थोड़ा कम किया। या फिर हम लोग देख ले कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जिस तरह से मंदी थी 2017 के बाद में, कुछ भी नहीं हुआ था, तो काफी सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट से दूर हटते चले गए। अब स्टॉक मार्केट जो है अपने हाइस पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 50,000 को प्लस कर गया था। पूरे फाइनेंशियल चैनल्स हो, नॉन फाइनेंशियल चैनल्स हो, हर जगह पर सेंसेक्स 50,000 रुपीज पर आ गया। एंड निफ्टी भी आप देखिए रिकॉर्ड स्तर पर है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 14,753 पर ये पहुंच गया था। तो इंडीड इंडीड हम लोग ये देखेंगे कि बहुत अच्छा लेवल है। और यहाँ पर कई सारे लोग आपसे कहेंगे कि पैसे अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट और भी आगे बढ़ सकता है, बजट वाली बातें चल रही है। तो ऐसे कोई तो कोई स्टॉक्स होने चाहिए ना जिसमें हम हमेशा पैसे लगाते रहे, ठीक है? ये पैसा हमारे पास में अगर आता है, हमारे पास बैंक में पड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं हमको जो है एक एक तरह का जो है इन्फेक्चुएशन रहता है कि हम जो है पैसे को इन्वेस्ट करें। तो क्यों ना सेफ जगह पर हम लोग इन्वेस्ट करें। और FD के रेट्स अगर आप देखें, अभी HDFC बैंक का FD का रेट देखो तो 4.9 या फिर 5% वगैरह का है, एंड उसमें पैसा जो है आपका बीट नहीं कर पाएगा इन्फ्लेशन को। तो मार्केट ही एक ऐसी चीज बनती है जो लॉन्ग टर्म में बीट कर सकता है। वर्ड्स ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में बीट कर सकता है। यस, तो हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स ही आज हम लोग बात करेंगे। एक स्मॉल केस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा रिटर्न देकर जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसकी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि हमेशा ये आपको रिटर्न दे रहा है, और अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दे रहा है। चलिए देखते हैं पहला स्टॉक जो कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में भी है, और जो मैं हमेशा रखूंगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। और कभी भी अगर मुझे लगता है कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कौन सी चीज हमको खरीदना चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ HDFC लाइफ। क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है, ब्रांड वैल्यू बेहतरीन है, कोई जवाब नहीं है, राइट? इसका मैनेजमेंट का क्वालिटी बेहतरीन है। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो जो है वो अवेलेबल है हमारे चैनल के अंदर में, कुछ 25 से 26 मिनट का है। क्योंकि काफी सारी चीजें रहती है इस कंपनी के बारे में बताने के रिस्पेक्ट में। इसका परसिस्टेंसी रेशियो हो जाए, इसकी सब्सिडरीज हो जाए जो कि री इंश्योरेंस का काम करती है, या फिर अगर हम लोग बात करें HDFC ग्रुप की, तो HDFC ग्रुप इज नोन फॉर इट्स ब्रांड वैल्यू, फॉर इट्स रेपुटेशन, और हमेशा इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते रहे हैं, आगे भी चल के मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमें किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में है, ICICI प्रूडेंशियल हो जाए, SBI लाइफ हो, या फिर हम लोग मैक्स लाइफ देखें, तो एक बात जो है सामने आती है वो ये कि ये अभी भी बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, यानी कि बहुत बड़ा स्कोप जो है इसमें बाकी है।
तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन कंपनी जो आप कभी भी किसी भी लेवल पर ऐड कर सकते हैं वो HDFC लाइफ है। अगर आप SBI लाइफ की बात करेंगे तो 1,000 रुपए पर वो पहुंच गया था, लेकिन आप देखिए अभी वो संघर्ष कर रहा है अपने 52 वीक हाई आने पर, लेकिन ऐसी बात जो है HDFC लाइफ के अंदर में नहीं दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स का ये डार्लिंग स्टॉक बनता रहेगा, चलता रहेगा, और यहाँ पर आपको जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखती रहेगी। जब भी यहाँ पर तेजी आएगी इसका बेनिफिट जो है इस कंपनी को मिलता रहेगा, इसीलिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी इसको शामिल किया है। स्मॉल केस के यू नो जो स्टॉक्स का ग्रुप रहता है उसमें मैंने इसको रखा है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सेकंड स्टॉक जो मैंने रखा है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है और हम सबकी लाइफ का पार्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस कंपनी को जो है इसके प्रोडक्ट को हम लोग जानते हैं, इंडिया का हर बच्चा बच्चा जानता है, इसकी एड तो देखी ही होगी हम लोगों ने। जी हाँ, बात कर रहे हैं पीडीलाइट की। पीडीलाइट एक ऐसा स्टॉक है, फेविकॉल की बात करें, डॉक्टर फिक्सिट की बात करें, या फिर एमसील की बात करें, तो हमारी लाइफ के अंदर में बचपन में या फिर अभी हम लोग कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है देखते आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा हमारे साथ में रहने वाली है, इसके प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ का हिस्सा अभी भी है, आगे भी रहने वाले हैं, और इसको आप किसी भी लेवल पर ऐड करते हैं ये आपको जो है बेहतर रिटर्न्स देकर जाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी पॉसिबिलिटी बनती है, आप देख सकते हैं 1735 रुपए का ये स्टॉक है, यहाँ पर भी आप ऐड करते हैं या फिर थोड़ा नीचे आ जाता है उसके बाद भी आप ऐड करते हैं, तो देखिए 1842 का इसका 52 वीक हाई गया है। सब कुछ अच्छा है इस कंपनी के अंदर में, अपने सेक्टर का लीडर है, 88,176 करोड़ का इसका मार्केट वैल्यू है। एंड आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप सदाबहार स्टॉक की कैटेगरी में ले सकते हैं, हमेशा इस स्टॉक ने आपको बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, किसी भी लेवल पर आप एंट्री कर रहे हैं, कभी भी आप एंट्री कर रहे हैं इसने आपको पैसे बनाकर दिए हैं, कभी भी इसने निराश नहीं किया है, जब भी नीचे आता है देखिए वापस ऊपर जा ही रहा है। तो ऐसा स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में होना जरूर चाहिए। वो कहते हैं भाई कि आपको क्या देखना चाहिए, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल देखना चाहिए, कि आपको वहां पर पैसे डालने चाहिए जहां पर पैसा बढ़ के मिले। तो मेरे हिसाब से वहां पर पैसा आपको डालना चाहिए जहां पर आपको पैसा बढ़ के मिले, वो सेक्टर कोई भी हो सकता है। आपका ध्यान जो है कितना प्रतिशत रिटर्न आ रहा है उस पर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा कैपिटल भी वापस आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा है उस पर होना चाहिए। आपके पास में जो है एग्जिट करने का जो है यू नो उसके अंदर में अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो एक ऐसी कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो मुझे काफी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी इसको शामिल किया है। लॉन्ग टर्म नजरिए से काफी अच्छा स्टॉक है, और अगर आप इसमें हाई लेवल से फंसे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की घबराने की जरूरत है, आप इसको एवरेज करते जा सकते हैं। जब यस बैंक के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी तब मैंने कहा था कि इस कंपनी में दम नहीं है, फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन कई लोग उसे एवरेज करते जा रहे थे। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूज फ्लो भी गड़बड़ होता है, फाइनेंशियल्स भी गड़बड़ होते हैं, ब्रांड वैल्यू को धक्का पहुंचा रहता है, रिस्की असेट्स रहते हैं उनके पास में, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। हम लोग वहां पर एवरेज करते रहते हैं, और इस जैसे स्टॉक्स को जो हमने हाई रेट पर खरीदे हुए उसको हम एवरेज नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको रिटर्न देकर जाएगा, 10% दे, 12% दे, 15% दे, 20% दे, जो भी रिटर्न दे, रिटर्न दे, राइट। इसमें आपको कैपिटल भी वापस मिले, पैसा डूबे ना, आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय ना हो, तो ये स्टॉक आप कभी भी किसी भी लेवल पर ऐड कर सकते हैं। अभी भी ऐड किया हो तो उसको आप आगे लेकर जा सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो। जी हाँ दोस्तों, ये देश की कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, डिफेंस के अंदर में भी है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में भी है, आप बोलेंगे इंडिया के कंस्ट्रक्शन के अंदर में सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,91,000 करोड़ रुपीज का। एंड जैसे जैसे कंपनी कंस्ट्रक्शन की बढ़ती होती जाती है, बढ़ती चली जाती है, उसके पास असेट्स आते जाते हैं, सिनर्जी आती जाती है, एक्सपर्टाइज आती जाती है, तो डेफिनेटली जो बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में होने वाले हैं उसका काम इस कंपनी को मिलता रहेगा, एंड इसकी जो है ग्रोथ होती रहेगी। ऑर्डर बुक बहुत ही जबरदस्त है, मैनेजमेंट क्वालिटी काफी जबरदस्त है, एंड यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोफेशनली मैनेज ये कंपनी है, तो इस हिसाब से जो है इस कंपनी के अंदर में कंसिस्टेंटली जो है पैसा आप लगा सकते हैं। इस कंपनी को मैं सदाबहार कंपनी कहूंगा, सदाबहार स्टॉक कहूंगा, जिसमें आप लोगों को पैसे जरूर लगाते रहने चाहिए, एवरेज करते रहना चाहिए। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की, तो चलिए देखते शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपने हाई से 1570 रुपए का कुछ इसका हाई है, यहां से ये रिकवर हुआ है, पेंडेमिक में गिरने के बाद में रिकवर हो रहा है, लगातार इसमें रिकवरी आ रही है। और देखिए यहाँ पर काफी अच्छा जो है 52 वीक अगर हम लोग यहाँ पर हाई देखते हैं, 52 वीक हाई 1400 पर पहुंच गया है।
यानी कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के ऊपर में कॉन्फिडेंस है, और डेफिनेटली हर बार गिरने के बाद में आप देखिए दोस्तों ये कंपनी ऊपर जरूर आई है। तो एक अच्छा मौका है जहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको ये बेनिफिशियल मुझे यहाँ पर लगाई दिखाई दे रही है, और कभी भी आप इसको ऐड करते जा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है आप इसको जरूर बना सकते हैं। चौथी कंपनी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, वो हमारी लाइफ का पार्ट है, एंड दैट कंपनी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2049 पर है, एंड कुछ एक महीने पहले कुछ लोग कह रहे थे कि होवर करते रहेगा, 1900 से 2050 के बीच में होवर करते रहेगा अगले एक साल तक, सो मेनी थिंग्स। एंड बीच में मुकेश अंबानी के गायब होने की भी बात यहाँ पर आई थी, बहुत सारी चीजें चर्चाएं चली, लेकिन जो रिजल्ट्स आए जनवरी क्वार्टर के, यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए जनवरी के अंदर में, उसका रेवेन्यू देखकर सब लोग दंग रह गए। काफी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया। इसका बेनिफिट जो है मंडे को उसके स्टॉक में दिखाई देगा, पूरी पूरी उम्मीद ही है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो कि अब बदल चुका है, ये ऑयल कंपनी नहीं रही है, ये एक टेलीकम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी कंपनी रही है, और ये एसेट लाइट मॉडल बनाते चली जाएगी फ्यूचर के अंदर में। और आप देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप पाएंगे कि ये फ्यूचर की कंपनी है और हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। जियो फाइबर घर घर में आने वाला है, और रिटेल इसका भी जो है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो हर तरीके से अगर हम देखें कि अगले 10-20 साल के लिए कोई कंपनी तैयार हो रही है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और आप देखेंगे ये अपने हाई से अभी भी जो है नीचे चल रही है। तो आप यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के लिए भी जो है बेनिफिट लेने के लिए पोजिशन बना सकते हैं, और इन सब का कॉम्बिनेशन मैंने आपको स्मॉल केस में देकर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंड एक और स्टॉक है जो मैंने उसके अंदर में डाल के रखा है, उसके लिए आपको वो लिंक देखने पड़ेगी। तो इसके साथ ही जो है मैं आपको यहां पर छोड़ता हूं, एंड आई होप आपको जो है ये सभी स्टॉक्स जो मेरे पसंदीदा स्टॉक्स है अच्छे लगे होंगे। डेफिनेटली इसमें निवेश करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये पूरे के पूरे सदाबहार स्टॉक्स हैं। हम इतनी ज्यादा कंसल्टेंसी फीस देते हैं ये पूछने के लिए कि स्टॉक्स में पैसा डाला जाए कि नहीं डाला जाए, लेकिन एक बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी प्रूडेंस से कॉमन सेंस से समझा जा सकता है कि किस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रहना चाहिए। तो ये स्टॉक्स मुझे लगते हैं कि हमेशा के लिए पोर्टफोलियो के अंदर में रहने चाहिए। जब भी लगता है कि हमारे पास पैसा आया है, ये स्टॉक्स है जो कि मुझे लगता है कि इसके अंदर में पैसा डालना चाहिए। एक और स्टॉक है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से एक्सेस मिल जाएगा। विद दिस गाइस आई वुड लाइक टू से गुड बाय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।